गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8, सब्जेक्ट हिंदी, फर्स्ट, बुक नेम है मधुबन। टुडे डेट इज 25/7/2020, पेज नंबर 20। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने चैप्टर 3 में भेड़ और भेड़िए में टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किया था। आज हम लोग थर्ड नंबर रीड करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, उसको आपको अच्छा मैं समझाऊंगी, आप लोग ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। पशु समाज मतलब स्टूडेंट, आजकल आप लोग देखते हैं जो पशुओं का जो समाज है उससे जो परिवर्तन जो आ रहे हैं, हेर फेर आ रहे हैं, जैसे बदलाव आ रहे हैं। जैसे पशुओं को देखिए आप लोग, आजकल लोग घरों में पालते हैं, उनके व्यवहारों को देखिए, पशु जो होते हैं साथ में रहते हैं, उनके परिवर्तनों को देखकर जैसे समाज में क्या रही, हर्ष की लहर मतलब खुशी की लहर से दौड़ रही है। ओके, जैसे कोई भी जानवर एक दूसरे को नहीं पसंद करते, लेकिन घर में जब पाला जाता है तो वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहते हैं, परिवर्तन होता है। ओके स्टूडेंट, सेकंड है, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ कोमल है, निर्बल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान है, इसीलिए अपने हितों को उनके हाथों में छोड़ निश्चिंत हो जाओ, वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो। ओके, निर्बलों की रक्षा बलवान ही करते हैं। निर्बल मतलब कमजोर लोगों की जो रक्षा कौन करते हैं, बलवान लोग कर सकते हैं। भेड़ कोमल है, जो भेड़ हैं वो कैसी हैं, कोमल हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं और अपनी रक्षा नहीं कर सकते। जो भेड़ हैं वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। भेड़िए बलवान होते, जो भेड़िए होते हैं वो बहुत ही बलवान शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उनके हाथों में अपने को छोड़ के निश्चिंत हो जाओ, और वे तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हैं। मतलब उसने कहा है, इसमें कहा गया है कि जो निर्बल कमजोर लोग होते हैं उनकी रक्षा बलवान लोग ही कर सकते हैं। जैसे एक कमजोर जो जानवर होता है उसकी जो एक ही चीज बताई गई भेड़ और भेड़िया कि आप एक ही जाति के हैं, आप अपने को किसके भरोसे छोड़ दीजिए, भेड़ियों के। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं। कह रहा है मतलब भेड़िया कह रहा है सियाह से कि आपके मुख पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं, हम आपके साथ हैं, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 4 नंबर है आपका, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सियाह ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे माई बाप तो आप ही हैं, हम तो किसी और सरकार को नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पैसेज दिया है, अनुच्छेद दिया है, उसमें आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यह बात किस बात के उत्तर में कही गई थी। यह बात तब कही गई थी जब जो जंगवन प्रदेश में नई सरकार बनने के लिए कहा बनाई जा रही थी, तब उन्होंने कहा था भेड़ियों ने सियाह से कि आप परेशान मत होइए, हम आपके आप हमारे माई बाप हैं और हम आपके साथ हैं। सियाह ने यह बात किससे कही थी, सियाह ने यह बात भेड़िए से कही थी। ओके स्टूडेंट, सियाह यहाँ किस प्रकार के लोगों का प्रतीक है, निर्बल लोगों के। ओके स्टूडेंट, नहीं सॉरी, सियाह यहाँ पर जो है बलवान मतलब मजबूत बलवान लोगों का प्रतीक है। ओके स्टूडेंट, ये आपको रीड मैंने करवाया है, आज आप लोग इसको रीड करेंगे, नेक्स्ट हम लोग अपनी बुक फिल करेंगे और क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।